नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। औरैया के साहिल थाना क्षेत्र में दबंगों ने असलहों से लैस होकर कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी दी है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में दबंग नाजायज असलहे लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। दबंगों के इस कृत्य से गाँव में दहशत का माहौल कायम हो गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा है कि वीडियो के आधार पर लोग चिन्हित कर लिए गए हैं, जल्द ही मामले की जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी। साहिल क्षेत्र के ग्राम बिलासपुर में एक घटना संज्ञान में आई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पक्ष हैं जो कि आपस में कहासुनी कर रहे हैं और उनका किसी पारिवारिक मतभेद को लेकर उनके द्वारा कहासुनी की जा रही है। वीडियो में उनके हाथ में एक राइफल और तमंचा भी देखा जा रहा है। इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो भी वीडियो के लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। वो चिन्हित करने के साथ ही उनको पूछताछ करते हुए शीघ्र किसी जो आवश्यक विधिक कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 221 नए रिक्रूटर्स आरक्षियों की भर्ती की गई। वहीं जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार कार्यक्रम में शामिल रहे। काफी दिनों से प्रशिक्षण कर रहे सभी रिक्रूटर्स उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बने हैं। सभी आरक्षियों को नियम कानूनों और शस्त्रों के प्रयोग के प्रति जागरूक कराया गया। वहीं कोविड-19 के चुनौती भरे दौर में सभी आरक्षियों ने प्रशिक्षण को बखूबी पूरा किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान किया है। वहीं सभी आरक्षियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाने की शपथ दिलाई। कोविड-19 के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को पूरा किया गया है। लखनऊ के थाना काकोरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व एक मकान में एकत्रित हैं और शराब पार्टी कर रहे हैं, जिनके पास अवैध असलहे हैं और वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर काकोरी निरीक्षक द्वारा दबिश दी गई। वहां पर 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मौके पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। पूछताछ पर पता चला कि ये सभी लोग प्लाटिंग का काम करते हैं। कोरी पर सूचना मिली कि भोरिया खेड़ा गांव में कुछ असामाजिक तत्व एक मकान में एकत्र हैं और वो शराब पार्टी कर रहे हैं। उनके पास नाजायज असलहे हैं और वो किसी बड़ी वारदात के अंजाम देने की फिराक में एकत्र हुए हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक काकोरी द्वारा दबिश दी गई। वहां पर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोग वहां पर बैठ के शराब पी रहे थे। उनके पास नाजायज असलहे है, जिसमें एक कंट्री मेड पिस्टल, एक फैक्ट्री मेड पिस्टल जिसका लाइसेंस नहीं हुआ, एक राइफल, एक DBBL बन जिसके कोई लाइसेंस नहीं बरामद हुए, वो पकड़ी गई है। साथ ही साथ वहां पर बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। और ये सभी लोगों ने पूछताछ में बताया कि ये जमीन का काम करने वाले लोग हैं, प्लॉटिंग का काम करते हैं। इन्होंने कोई बड़ा सौदा डील किया था जिसकी खुशी में शराब पार्टी हो रही थी। क्योंकि इन अभियुक्तों का यह कृत्य आबकारी अधिनियम, महामारी अधिनियम, शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन था। इनके विरुद्ध अभियोग दर्ज करके मुकदमा चलाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें से एक गिरफ्तार व्यक्ति लल्लू यादव है, जो थाना ताल कटोरा का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध पहले से 72 मुकदमे दर्ज है। इन सभी को गिरफ्तार करके इनका कल चालान किया जाए। वहीं रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर जमकर विवाद हुआ। दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाई। आपको बता दें कि दबंगों पर कई संगीन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां पर खीरो थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर जमकर विवाद हुआ है। दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठियां बरसाई है और आपको बता दें कि दबंगों पर कई संगीन मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। कौशाम्बी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल संवाद में ग्राम प्रधान अमीरसा सीमा मिश्रा ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री से गांव के विकास से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई हैं।
हमीरपुर में एक बार फिर पुलिस विभाग शर्मसार नजर आ रहा है। एसपी स्टेनो ने मिशन शक्ति की जमकर धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि स्टेनो संतोष कुमार ने महिला दरोगा को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। साथ ही महिला दरोगा एसपी स्टेनो से गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फिर भी एसपी स्टेनो गालियां देता रहा। आपको बता दें कि महिला दरोगा को गाली देने वाला ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर एसपी हमीरपुर ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या बोले तुम्हारी तरह नहीं तुम गाली दे रहे हो ना आप कर लेते नहीं मैंने उलट जाऊँ धोखा भाई अभी बैठ गया जम हाँ आप क्या हुआ उसको कह रहे हैं करने के लिए क्या हर से बात उड़ा रहा है सुनती रहती है जो बात छापे बैठी रहती है हटो मैंने इतना गाड़ी देने के बाद शाहजहांपुर के शेरामऊ थाना क्षेत्र के भरगमा गांव में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में अवैध असलहों का जखीरा भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही घटना स्थल से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो हथियार बनाने का कारोबार करता था। पुलिस ने अभियुक्त पर कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। थाना शेरामऊ दक्षिणी में ग्राम भरगवा में एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर थाना शेरामऊ दक्षिणी के एसओ के साथ पुलिस टीम ने वहां दबिश दिया और दबिश के दौरान एक सुखदेव नाम का अपराधी वहां गिरफ्तार किया गया है और पूरी असले अवैध असले की फैक्ट्री बरामद हुई है। इसमें तमंचा 12 बोर, 315 बोर और एक राइफल 315 बोर ये निर्मित थे। इसके अलावा 315 बोर के और 12 बोर के कई अर्ध निर्मित असलहे बरामद। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए एक 25,000 के इनामी गैंगस्टर आजाद उफ बौना को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंगस्टर अब तक चोरी और लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इसके पास से एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आजाद उफ बौना को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। ये एक शातिर चोर है, चोरों का गिरोह चलाता है और इसके विरुद्ध चोरी के कई मुकदमे जिसमें बरामदगियां भी हुई हैं कई मुकदमे पंजीकृत थे। इसी आधार पर इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 6 महीने से फरार चल रहा था। इसको एक साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से तमंचा 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना कांट पर अभियोग पंजीकृत कर इसे जेल रवाना किया जा रहा है। वहीं शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर अवैध असलहे के साथ एक युवक को फोटो डालना काफी महंगा पड़ गया। वायरल फोटो को संज्ञान में लेते हुए मीडिया सेल ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वही रायबरेली जनपद के थाना डलमऊ अंतर्गत गांव पुरौली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। घर में अकेला पाकर बदमाशों ने एक घर में घुसकर दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की और अपनी नापाक हरकतों में कामयाब ना होने पर मोहम्मद नाजीम और रजी नाम के गुंडों ने दोनों बहनों की जमकर पिटाई की और धारदार हथियार से सिर पर वार कर गंभीर रूप से युवतियों को घायल कर दिया। मोहम्मद नाजिम और रज्जी नाम के गुंडे यही नहीं रुके, बदमाशों ने दोनों बहनों के गुप्तांगों पर लात मारी, जिससे दोनों बहनों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं जब पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत करने की बात कही तो दोनों बदमाशों ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस मामले में दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित के पक्ष में समाजसेवी जावेद खान ने भी अपनी आवाज उठाई है। ये नाजिम और रज्जी ने मेरे सर पे धारदार कोई चीज मार दिया। घर पे अकेली थी और नाजिम आके घुस के जबरदस्ती मेरे साथ खींचना घसीटा मारा पीटा। तो खींचना घसीटा क्या बलात्कार करने की कोशिश करी गई? जी हाँ। आप लोग घर में अकेले थे? हाँ अकेले, पापा तो गुजर गए, मम्मी थी नहीं, अकेले दोनों बहन थे। आपके कौन सा गांव है? पुरौली।
थाना कौन सा लगता है? डलमऊ लगता है। तो अभी डलमऊ में एप्लीकेशन आप लोगों ने दी है? हाँ, दी। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं। कप्तान साहब तक मामला पहुँचा? हाँ, हाँ जी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? अभी कुछ नहीं, बोले कार्रवाई करवा रहे हैं। हमारे बच्चियों को मारा पीटा, हम बीमार थे, हम गुरवारा दवा लेने गए थे। और ये हाफिज मुल्ला को तो आप जानते हो कि कितने बदतमीज होते हैं। हाँ। गलत नजर से। क्या नाम है उसका? मौलाना नाजिम, नाजिम नाम है। और एक रज्जी है। अच्छा, रज्जी है। तो आपकी बेटियों के साथ क्या किया उसने? हमारी बेटियों के साथ जबरदस्ती इज्जत पे हाथ डाला, उसके क्या कहते पेड़ों पे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीतापुर में एसपी के निर्देश पर थाना रामकोट की पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत करीब 360 लोगों की सूची को तैयार किया गया था। पकड़े शातिर अपराधी ने पुलिस की हिरासत में अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इस तरह के कार्रवाई की जाएगी। खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार शातिर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने 360 लोगों को सूची भी तैयार की है और पकड़े शातिर अपराधी ने पुलिस की हिरासत में अपने जुर्म को कबूल किया है। साथ ही पुलिस का यह कहना है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी। ये रीजनल मैनेजर उत्तर प्रदेश राज्य भंडारा निगम के द्वारा जो है थाना रामकोट पर एक फोर्जरी का मुकदमा लिखाया गया था। उसकी योजना थाना रामकोट के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी। इस मुकदमे में जो मुख्य अभियोग था उसके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के सर्वी हस्ताक्षर से नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे थे, जिसके आधार पर लोगों को जो है धोखा दिया जा रहा था। इस संबंध में थाना रामकोट पुलिस से महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस अभियोग में स्थानीय मुख्य अभियोग को जो है थाना रामकोट पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार। वहीं सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप ने दो राहगीरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि दोनों राहगीर बैंक से पैसा निकाल कर लौट रहे थे, जो पिकअप की चपेट में आ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया में पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। थाना एरवा कटरा क्षेत्र में बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक दंपति को ओवरटेक करते हुए उनके पर हमला कर दिया और महिला ने सोने की चैन और नगद पैसे लूटकर फरार हो गए। वहीं इस पूरी घटना के बाद पीड़ित दंपति थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचा है। औरैया से खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस लगातार अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आपको बता दें कि थाना एरवा कटरा क्षेत्र में बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक दंपति को ओवरटेक करते हुए उन पर हमला कर दिया और महिला की सोने की चेन भी लूट ली और साथ ही जो पैसे दंपति के पास से वो भी चोर लूट कर फरार हो गए। कहाँ से आ रही थी? अपने मामा घर से आ रही, बबरापुर से। बबरापुर थाना वर्धना। तो क्या आपके साथ क्या घटना हुई? राजनी क्या है? जाले, लर, मंगल सूत्र, पेंडल, तीन अंगूठी और तोड़ा। कौन थे लोग? क्या आपने कुछ पहचाना उन लोगों को? नहीं। किस गाड़ी से थे? अपाचे। तीन। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।